Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of April 2020. So, the topic is person in news. So, now MS Dhoni को पोकर स्टार्स इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. पहले इनके ब्रांड एम्बेसडर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी. पोकर स्टार्स इंडिया का क्या मोटिव क्या है एमएस धोनी को बोर्ड पे लाने का? उनका एम यही है एट इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री. सो करेंटली जो ब्रांड इज़ एट द रैंक फोर प्लेयर ट्रैफिक अमंग पोकर साइट्स. एमएस धोनी नेटवर्थ फिगर कितना? 760 करोड़ रुपीज़ मार्च 2020. नाउ कोबे ब्रायंट एंड टिम डंकन अमंग 2020 बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इंडक्टर्स. नाउ कोब ब्रायंट हैं और इनके साथ आठ जने और भी हैं. दे हैव बीन इंडक्टेड इनटू नसीमत मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम. सो टिम डंकन केविट ब्रायंट दे विल बी इंडक्टेड. डंकन ने जो टू मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड्स वन की हैं, एक तो गार्नेट एंड ब्रायंट ईच वन वन. इज इट क्लियर? सो नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल HOF इज इन स्प्रिंग फील्ड मास्टर्स. नेक्स्ट इज मुकेश अंबानी नेटवर्थ ड्रॉप्स 28 to $48 billion इन टू मंथ्स. सो नेटवर्थ है जो इंडिया का रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, उन्होंने 28% ड्रॉप किया है और $300 million अ डे फॉर टू मंथ्स टू $48 billion. अंबानी ये सेकेंड बिगेस्ट वेल्थ लूजर ग्लोबली है जब फ्रेंच फैशन जॉइंट LVMH चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड अर्नोल्ट के बाद इंडिया लॉस्ट 3 रैंकिंग्स इन द टॉप 100 रैंकिंग्स. नेक्स्ट इज IMF इंडक्ट्स रघुराम राजन टू की एडवाइजरी पैनल. सो जो IMF MD नेम्ड फॉर्मर RBI गवर्नर है रघुराम राजन और 11 अदर्स टू हर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप टू प्रोवाइड perspectives फ्रॉम अराउंड द ग्लोब ऑन की डेवलपमेंट पॉलिसी इशूज इंक्लूडिंग responses टू एक्सेप्शनल चेंजेस ड्यू टू कोरोना वायरस. सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के MD कौन है? क्रिस्टालिया जॉर्ज. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी ने $1 billion दिया है किसको? ऑफ इक्विटी इन स्क्वेयर टू COVID-19 रिलीफ. ट्विटर फाउंडर है जो CEO जैक ने प्लेज किया कि $1 billion इक्विटी इन स्क्योर देंगे अ मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड ही फाउंड एंड ऑल्सो रन्स टू अ COVID-19 रिलीफ फंड. सो फिगर रिप्रेजेंट्स अबाउट 28% ऑफ हिज नेटवर्थ. तो जैक डॉर्से कि उनकी नेटवर्थ कितनी है? $3.9 billion. और 1997 में टेड टर्नर ने हिस्ट्री बनाई थी $1 billion प्लेज टू UN. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर रेजेस अवेयरनेस ऑन कोरोना वायरस विद यूनिसेफ. सो मानुषी चिल्लर शी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद यूनिसेफ. यूनिसेफ और मानुषी चिल्लर, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड. तो ये मानुषी चिल्ड्रन और यूनिसेफ दोनों एक साथ मिलके इन्होंने क्या कहा है कि जो कोरोना वायरस है उसके बारे में अवेयर करना है लोगों को, अवेयरनेस रेज करनी है अबाउट द नोवल कोरोना वायरस. सो मानुषी चिल्ड्रन शी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिसेफ इनिशिएटिव टू मेक एनी फेलो सिटीजन्स अवेयर ऑफ द ट्रेमेंडियस थ्रेट दैट एग्जिस्ट इफ दे डिकेयर टू स्टेप आउटसाइड देयर होम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग क्वाली जेनर जो कि यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है फॉर अ सेकेंड ईयर इन अ रो. ये क्या है? रियलिटी स्टार टर्न्ड मेकअप मोगुल क्वाली जेनर हैज टर्न्ड हर रियन एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो. 22-year-old Kylie Cosmic Empire is valued at $1.2 billion. Jenner launched Kylie Cosmetics in 2014. Is it clear? Next is Nation remembers Dr. Bhimrao Ambedkar on his 129th birth anniversary. तो जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो इज़ नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट
इनको चीफ आर्किटेक्ट कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बीआर अंबेडकर को, एंड ही हैज़ बीन बेस्टोर्ड विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। तो दोनों ये है, ये भीमराव अंबेडकर, बीआर अंबेडकर, ये मध्य प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था। ये ज्यूरिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, सोशल रिफॉर्मर है, और ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट इज चेस। मैग्नस कैरिस शॉक्ड अ 16 ईयर ओल्ड इन बेंटर बिल्ड्स कप फाइनल। सो जो मैग्नस कार्नेस हैं, ये इन्होंने डिफीट किया है 8.7 to 7.5 इन द फाइनल ऑफ $14,000 बैंटर बिल्ड्स कप बाय टैक्टिकल स्किल्स ऑफ 16 ईयर ओल्ड एलरिजा फ्योजा। ईरान बॉर्न हुए थे। फिरोजा इज द सेकेंड यंग प्लेयर टू रीच 2700 फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एकास रेटिंग। सो FIDE हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया किसको अपॉइंट किया? इंडियन अमेरिकन सुदर्शन बाबू को कंट्री के टॉप साइंस बोर्ड में अपॉइंट किया है। ठीक है, सो सुदर्शन बाबू, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू कंट्रीज टॉप साइंस बोर्ड। तो ये थर्ड इंडो अमेरिकन है इस प्रेस्टिजियस बोर्ड में आने वाले। जो दो अदर टू कौन से थे, वो सेतु राम पंचाथानंद एंड सुरेश वी गैरी मेला। सो डोनाल्ड जॉन ट्रंप ये 45th और करंट प्रेसिडेंट है US के। BWF नेम्स PV संधू एज एन एम्बेसडर फॉर इट्स आई एम बैडमिंटन कैंपियन। तो वर्ल्ड चैम्पियन PV संधू, इन्होंने ये अनवील किया था एज वन ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आई एम अ बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। और ये प्लेटफॉर्म है फॉर प्लेयर्स टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर बैडमिंटन बाई एडवोकेटिंग एंड कमिटिंग टू क्लीन एंड हॉनेस्ट प्ले। इज इट क्लियर? सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी RBI एक्सटेंड्स माधव मेनन टर्म एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ CSB बैंक। तो CSB बैंक का हेडक्वार्टर केरला में है। CSB बैंक ने क्या कहा है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने माधव मेनन की जो टर्म था वो एक्सटेंड कर दिया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक टिल जो 21 जुलाई 2020। सो एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 103(1)(a) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसलिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया इंडियन अमेरिका को एज US एनवॉय टू OECD। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। इज इट क्लियर? सो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह को नॉमिनेट किया एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये करेंटली असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्टेट के फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस अफेयर्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रमोट्स एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल टू सेक्रेटरी लेवल रैंक। एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल हैज़ बीन प्रमोटेड टू द सेक्रेटरी लेवल रैंक। जो एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल थे, इनकी प्रमोशन हुई है टू द सेक्रेटरी लेवल रैंक अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर। सो इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एयर इंडिया इन फेब्रवरी इन दिस ईयर एट द रैंक ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी। सो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट इज हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज US जॉय बिद्वान विंस OUS प्रेजिडेंसी प्राइमरी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो जॉय बिदन है, ये एक प्रेसिडेंशियल प्राइमरी है क्लिंचिंग अ कॉन्टेस्ट दैट वाज लेस अबाउट द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन एंड मोर अबाउट हाउ स्टेट्स कैन कंडक्ट इलेक्शंस इन द एरिया ऑफ कोरोना वायरस। यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। सो गाइस, दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग पर्सन इन न्यूज़। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है आपका कि जो न्यूज़ पिट वाइपर फ्रॉम अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश, दैट वाज नेम्ड आफ्टर सालजर सिंधारिया फ्रॉम हैरी पॉटर। तो एक रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया, एक नई स्पीशीज डिस्कवर की है स्नेक की अरुणाचल प्रदेश में, वेनोमियस स्नेक, और उन्होंने क्या नेम दिया है? ट्राइमिसरस सालजर।
एक ये जो स्नेक की वैरायटी डिस्कवर हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड इन द थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द पके टाइगर रिजर्व इन ड्यूरिंग अ फील्ड एक्सपीडिशन कंडक्ट इन 2019 में कंडक्ट हुआ था। ये फिफ्थ वैरायटी है टू रेप्टाइल टू बी डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश। सो ये एक ही एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ऐप्स एंड पोर्टल्स। सो ऐप्स एंड पोर्टल्स की कौन सी ऐप्स इंट्रोड्यूस लॉन्च हुई है, कोई पोर्टल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑनलाइन, तो वो कौन सी थी? Stranded in India, new government portal to help foreign tourists. So Union Tourism Minister ने एक web portal launch किया StrandedInIndia.com StrandedInIndia.com। यहाँ पर foreign national stranded जो India में है lockdown की वजह से, उनको help करने के लिए ये portal बनाया गया है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अराउंड COVID-19 हेल्पलाइन नंबर्स दैट फॉरेन टूरिस्ट कैन रीच आउट ऑफ द हेल्प। सो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, कॉन्स्टिट्यूंसी MP डॉम। गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफिशियल COVID-19 लॉन्च किया है ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु। सो ऐप कॉल्ड आरोग्य सेतु, इन्होंने डिजिटल इंडिया के साथ ज्वाइन होके हेल्थ और वेलबींग ऑफ एवरी इंडियन, इज इट क्लियर? Joins Digital India's किस लिए? फॉर दी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी इंडिया। ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये इन लोगों को हेल्प करेंगे टू असेस देमसेल्व्स कि उनके कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। सो ये 11 लैंग्वेजेस में ऐप अवेलेबल है और ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई मीटी इन जस्ट 4 डेज। AICTE came out with unique helpline portal to support students during lockdown. Is it clear? So ये जो आपके AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल शास्त्र भुदे हैं, इन ऑर्डर टू सपोर्ट दी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकली एजुकेशन इट हैज़ कम आउट विद MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल टू एड्रेस द इशू। और वेबसाइट क्या है? helpline.aicte/india.org, इसे क्लियर? और ये किसने लॉन्च की थी? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांत ने। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग ऐप लॉन्च हुई है और ये किस लिए यूज़ होगी? टू लोकेट क्वारंटाइन वॉलेटर्स। तो गवर्नमेंट ने ये ऐप टेस्ट की है ईमेल्स और SMS अलर्ट्स की गवर्नमेंट एजेंसी को कि अगर पर्सन क्वारंटाइन में जंप हो गया बेस्ड ऑन दी पास किसी भी पर्सन के मोबाइल फ़ोन सेल से लोकेट होगा एंड वो जंप हो गया क्वारंटाइन में, देन जियो फेंसिंग इज एक्यूरेट अप टू 300 meters। केरला वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू यूज जियो फेंसिंग टू ट्रैक। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सेंटर है, सेंटर क्या लॉन्च कर रही है? लर्निंग प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट 19। सेंटर ने अनाउंस किया है कि वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे iGOT.gov.in किस लिए? COVID-19 को कॉम्बैट करने के लिए फॉर ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स टू ट्रेन देम, ठीक है? iGOT प्लेटफॉर्म है, ये किस लिए डिज़ाइन किया है? टू पॉपुलेशन स्केल और ये 1.50 करोड़ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 9 कोर्सेज हैं वो लॉन्च हुए हैं इन द बेसिक्स ऑफ COVID-19। बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस कोरोना साहित्य ऐप। सो बिहार स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? कौन सी ऐप? बिहार कोरोना साहित्य ऐप COVID-19 को कॉम्बैट करने के लिए। सो बिहार गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कोरोना साहित्य ऑफ ₹1,000 टू ईच वर्कर्स जो बिहार में एंटर करेंगे दूसरी स्टेट से, इज इट क्लियर? सो चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो सैनिटाइजेशन ऐप है, उन्होंने अपडेट किया है पैनाडेमिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो सैनिटाइजेशन ऐप कौन सी है? सैनिटेशन ऐप कौन सी है? स्वच्छता मुहोआ। ये अपडेट की गई है, इसमें सारे फीचर्स इंक्लूड कर दिए, जैसे अगर कोई सस्पेक्टेड केस है, कोई लॉकडाउन को वायलेश कर रहे हैं, वो सारे इसमें रिपोर्ट होंगे। जो ऐप की प्राइमरी यूज़ क्या है आपका स्वच्छता मुहोआ का, MOHUA का, इसका प्राइमरी यूज़ क्या है? वॉज टू रिपोर्ट सैनिटेशन रिलेटेड ग्रीवियंसेस पर 9 फीचर्स ऐड किए गए थे। और सेक्रेटरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दुर्गा शंकर। HRD मिनिस्टर लॉन्च युक्ति इन न्यू दिल्ली। यूनियन HRD मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD। सो पोर्टल इंस्टेंस टू कवर द डिफरेंस डायमेंशन ऑफ COVID-19 चैलेंज इन अ वेरी होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट जो AICTE है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? ई लर्निंग पोर्टल्स LS। सो
It means enhancing in learning with improvement. Enhancing in learning with improvement in skills portal. So, in order to foster digital learning, AICT ne ELIS portal launch kiya hai. To isme e-learning content, jisme 26 different courses hai, 18 leading education technology companies ki help se. AICT ke chairman kaun hai? Anil Shaharsar Bhude. Next is regarding Chhattisgarh launched CCAT website for online essential delivery. इसी के तो छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट इनॉग्रेट की है सीजी हार्ट, जिसमें कि होम डिलीवरी की जाएगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की. जब लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो रहा है, लॉकडाउन के फेज में एसेंशियल्स दैट इज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी होगी. दैट इज़ डेवलप्ड बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एजेंसी चिप्स. ये जो सर्विस है हैज़ बीन फर्स्ट मेड अवेलेबल इन रायपुर सिटी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी कि जो इंडिया से आरोग्य सेतु है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऐप है, जिससे कि 50 मिलियन डाउनलोड्स रीच होंगे इन 13 डेज. ठीक है, आरोग्य सेतु जो ये ऐप है, ये COVID-19 केसेस को ट्रैक कर रही है इन फाइटिंग, और ये हेल्प कर रही है इन फाइटिंग द वायरस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल. तो रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स जस्ट 13 डेज, मेकिंग इट इन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डाउनलोड ऐप, सेठ नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बोला. सो ये NIC ने डेवलप की थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. नेक्स्ट इज किसान रथ ऐप लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू हेल्प द फार्मर्स ट्रेडर्स टू कनेक्ट विद द ट्रांसपोर्टर्स. सो गवर्नमेंट ने किसान रथ ऐप लॉन्च की है टू ऑन बोर्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर्स हु कैन एक्सटेंड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म गेट टू रेगुलेट मार्केट्स. फार्मर producer organization app has been developed by National Informatics Center. Delhi government hai, unhone assess corona application launch ki introduce ki hai. So unhone office Delhi government ne official se bola ki assess corona ko ye jo app hai isko use kiya jaye for door to door survey in COVID-19 contamination zones to speed up the description decision making by analysis real time data removing a major obstacle in the efforts to contain the virus. Is it clear? So first phase of assessment ka wo South Delhi mein launch hua tha. Next is regarding the so IIM Kozhikode team develops one stop COVID-19 platform for assessing emergency services. So international team led which is led by IIM Kozhikode स्टूडेंट ने क्या डेवलप किया है, वन स्टॉप COVID-19 प्लेटफॉर्म फॉर असेसिंग एमरजेंसी सर्विसेज फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स. सो वेबसाइट covid5.in ये एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है COVID-19 रिलेटेड सर्विसेज के लिए. कोर टीम ऑफ 16 इज लेड बाय IIM Kozhikode स्टूडेंट सिमरन सोनी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यूनियन HRD मिनिस्टर चेयर्स द रिव्यू मीटिंग ऑन स्वयं एंड स्वयं प्रभ इन न्यू दिल्ली. यूनियन मिनिस्टर हैं जो HRD रमेश पोखरियाल निशांक, इन्होंने डिटेल्ड रिव्यू किया है नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं का, और 32nd एडिशन है टेलीविजन एजुकेशन चैनल स्वयं प्रभा न्यू दिल्ली में. सो 1902 कोर्सेज अवेलेबल है करेंटली स्वयं में. स्वयं है क्या? स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रोड मिनिस्ट्री लॉन्च डैशबोर्ड कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ढाबास एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन इट्स वेबसाइट. सो मॉर्थ ने क्या क्रिएट किया है, डैशबोर्ड लिंक जिसमें उन्होंने लिस्ट और डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं ढाबास की, ट्रक रिपेयर शॉप्स की, जो कंट्री में अवेलेबल हैं बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. National Highway Authority of India centralized call number has also been enabled. So in charge Ministry of Road Transport and Highways kaun hai? Nitin Gadkari. Next is regarding the Karnataka government hai, unhone get CET go for NEET CET students
लॉन्च किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया है गेट सीईटी गो, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सके, उन स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करें उनकी हेल्प कर सके। सो जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है डेवलप है सिंच इन्फोटेक एंड रिक्शा ऑनलाइन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा। एनपीपीए डेवलप्स आईटी प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर सेल ऑफ हाइड्रोक्लोरिकिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। सो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आईटी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसमें मॉनिटर अवेलेबिलिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स एंड अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स एट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सीएफ इंजेंट्स और डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल एंड रिटेलर्स। एनपीपीए चेयरपर्सन शुभ्रा सिंह फाउंडेड 29 अगस्त 1997। मिजोरम मोबाइल ऐप COVID-19 टू एक्ट एज ऑनलाइन पास फॉर ड्राइवर्स एंड हैंडीमैन। सो मोबाइल ऐप है एम कोविन, वो ऑनलाइन पास दे विल एक्ट एज द ऑनलाइन पास फॉर द ड्राइवर्स एंड हैंडीमैन। जो मोबाइल ऐप एम COVID-19 है, ट्रक ड्राइवर्स और हैंडलर्स है जो बाहर से आ रहे हैं, मिजोरम के बाहर से आ रहे हैं, उनको क्या है वो स्क्रीन करवाने पड़ेंगे टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ पैनडेमिक एंड दिस एम पास विल बी यूजफुल फॉर द पर्पज। गवर्नर ऑफ मिजोरम इज पी श्रीधन पिल्लई। नेक्स्ट के जो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैं रोमेश पोखरियाल, उन्होंने विद्याधान 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स इनवाइट कर रहे हैं। प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च ड्यू टू इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट। सो जो ये कॉन्टेंट है ये दीक्षा ऐप पर यूज़ होगा। विद्याधान हैज़ अ कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी COVID-19 CISF launches ई करालिया फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स। ठीक है, ई करालिया एप्लीकेशन जो कि फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की मूवमेंट होगी विदाउट एनी फिजिकल टच, तो वो लॉन्च किया है 1.62 लाख पर्सनल स्ट्रॉन्ग ICICF टू कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए है। कोविड CISF ने ई कार्यालयाल लॉन्च किया है जिसमें कि फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मूव होंगी विदाउट एनी फिजिकल टच। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो ऑफिशियल वर्क होगा वो वर्क फ्रॉम होम होगा। डाटा रिकवरी साइट हैज़ ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश्ड विद दिस। वर्ल्ड्स फर्स्ट आयुर्वेदिक ओनली टेलीमेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड। बेंगलोर बेस्ड वेलनेस कंपनी है टोटल आयुर्वेद केयर .com, उन्होंने रिसेंटली नोवल टेलीमेडिसिन लॉन्च की है जो कि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्लेंड करेंगे। सो पेशेंट हैं जो उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी विद आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। नेक्स्ट इज आरोग्य सेतु ऐप नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि वो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप यूज़ करें अपने मोबाइल फ़ोन्स पे। अपने ऑफिस में जाने से पहले वो स्टेटस रिव्यू करें आरोग्य सेतु का एंड कम्यूट ओनली व्हेन द ऐप शो सेफ और लो रिस्क। इज इट क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है आरोग्य सेतु, कब? April 3rd को। सो गाइस, दिस वाज़ द टॉपिक रिगार्डिंग एप्स एंड पोर्टल्स। थैंक यू।